हरितुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्यशी चक्रा जय शिवने जय शिवने जय शिवने। टेक टू, प्राणवांशु से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी नहीं फिर से कोई नेटवर्क इश्यू आते हैं तो आई विल बी चेंजिंग द रूम और एक फिर से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि लाइव प्रॉमिस किया है तो लाइव पे आना पड़ेगा। हाय प्रणवांशु। हेलो सर, कैसे सर? वीडियो क्लियर है मेरी? एकदम क्लियर सर। तो प्रणवांशु, अपने बारे में ब्रीफ करिए, आप कौन से क्लास में हैं, कौन से स्कूल में और अभी रिसेंटली क्या कर रहे हैं? यस सर, सर वैसे तो अभी मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में हूँ, क्लास 11 सर, मेडिकल स्ट्रीम, फ्यूचर में सर सर्जन बनना है। एंड सर अभी LNM में ज्वाइन किया हुआ मैंने, तो सर अभी बस यही है सर, रेजन भी सर सुबह दिन शुरू होता है, रात का बस दिन चलता यही चल रहा है बस। ठीक है, तो जो भी लाइव देख रहे हैं उन सबका वेलकम है। कुछ प्रणवांशु के फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, तो जो भी लाइव अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज आप कर सकते हैं। हम पहले भी 3 लोगों के साथ, आई मीन इंक्लूडिंग अस, एक और हम ले सकते हैं लाइव में। तो प्रणवांशु, आज का टॉपिक जैसे आपको पता है कि एकेडमिक एंड आर्ट, उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? कितना आप बैलेंस करते हैं एकेडमिक और आर्ट को, या ज्यादा एकेडमिक ही रहता है और आर्ट एज ए आप जस्ट एज ए थेरेपी लेते हैं कि टू कोप अप विद द प्रेशर, जस्ट टू लाइटन अप, और अपने या एज ए पैशन आप आर्ट को लेते हैं? सर सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है सर, मेरे को लगता है कि 11th में सर ऑलमोस्ट अगर 90% बच्चे होंगे ना सर 11th के, सर उनको ज्यादातर अपना टाइम एकेडमिक्स में देना ही पड़ेगा, वरना सर 11th मुश्किल हो सकती है सर, जिन्होंने मेडिकल में, उनके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो क्योंकि सर यहाँ का सिलेबस भी ऐसा, एजुकेशन सिस्टम ऐसा कि आपको एक्स्ट्रा चीजों के लिए टाइम नहीं मिल सकता। तो सर अभी तो देखा जाए तो ज्यादा टाइम मेरे एकेडमिक्स में जाता है, तो सर अगर जो मुश्किल से टाइम मिलता है मेरे को सर आधा घंटा सर, वो ऑनेस्टली बोलूँ तो सर या तो गाने या फिर गेम, गाने और गेम्स यहाँ करते हैं। तो आर्ट में आप ज्यादा प्रेफरेंस किसको, किस मीडियम में देते हैं? पेंसिल स्केचिंग में देते हैं, कलर वाटर कलर वगैरह में देते हैं, या जैसे हमारे साथ कल एक जुड़े थे स्कल्पचर में, उनको इंटरेस्ट था परी मुग्धा निश्चल, आप किस मीडियम में ज्यादा इंटरेस्टेड है? सर मेरे को ज्यादा पसंद स्केचिंग है सर, क्योंकि सर स्केचिंग में ये है कि आप देख के उसे ब्लैक पेन से अगर आप किसी इमेज को शो कर सकते हैं, उस इमेज को अगर दूसरे को आप फील करा सकते हैं ब्लैक पेन से, सर वो मेरे को थोड़ी बड़ी बात लगती है सर, मेरे लिए स्केचिंग ज्यादा फेवरेट है। तो मैं जब आपको जानता हूँ, जब से आप क्राफ्ट में भी काफी अच्छे रहे हैं, आपने एक बारी वो टाइम मेजरिंग वाला बनाया था, एग्जैक्टली मेरे को नाम का मूड में आ नहीं रहा है, जो आपने सैंड डाल के वेस्ट बॉटल से बनाया था, हाँ, तो वो कितना आपने बिना कहीं से आइडिया लिए खुद से आपने क्रिएट किया, तो काफी क्रिएटिव माइंड आपका है। थैंक यू सर। तो ज्यादा जो है आपको ये मेडिकल लाइन के लिए ज्यादा आई मीन सजेशन किसकी तरफ से आती है पेरेंट्स में से? क्या सर ज्यादा सजेशन आपको जो आपके जो भी आप परस्यू करने जा रहे हैं आगे MBBS? यस सर। तो वो सजेशन आपकी आई मीन चॉइस आपकी खुद की है या पेरेंट्स की सजेशन है कि आप MBBS परस्यू करने जा रहे हैं? सर ये मेरी सर खुद की चॉइस थी। बढ़िया। तो दूसरा टॉपिक जो आज का हमारा था, जब डॉक्टर करता क्या है सर, बस मेडिकल लेंगे अब तो। प्रभगुन सिंह जी कह रहे हैं भाई शॉर्ट आउट दे दे, उनको शॉर्ट आउट दे दो, मैंने तो दे दिया है। प्रभगुन सिंह कर तो फॉलो है, तुम जरा शॉर्ट आउट के लिए लड़ा करे, जो भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनको, जिस तरह का शॉर्ट आउट चाहिए इनको दे दीजिए। और प्रभगुन जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वेलकम अनेजा अभय जी। प्रणवांशु, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक की आर्ट एज ए थेरेपी, आपसे फोन पे बात करते हुए आपने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई थी कि आर्ट एज ए थेरेपी भी काफी रोल प्ले करती है, तो आपका क्या उस पे कहना है?
सर अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो सर मेरा ये है, जब भी दिल किया था आर्ट का, सिर्फ मैं अपने फोन लेके हेडफोन्स लगा के सामने ड्राइंग पैड खोला सर बैठ गया, और सर तब तक ड्राइंग करनी जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। सर वो एक बात है, किसी से अटक जाऊं सर फिर वो होता है कि ये क्या हो गया आप नहीं कर रहा। पर सर मोस्टली देखा जाए तो फिर ऐसे सर अगर अगर आप एक बार सर ड्राइंग कर लेते हो ना कम्प्लीट, तो फिर सर अलग से ऐसी सेटिस्फेक्शन मिलती कि क्या बनाया है, मजा आ गया। तो सर मतलब उससे काफी तो ज्यादा आप अच्छा एक लगता दिमाग को। हाँ तो आप ये कहीं पे शेयर करते हैं कि बस अपने ड्राइंग पैड पे ही रखते हैं, शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि आप एकेडमिक से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मतलब मैंने आज तक जितनी बनाई है सर वो सारी की सारी इंस्टाग्राम पे है सर, बाकी तो कोई उसके बाद सर कोई अकेडमिक आप सारी लाइव चेंज में हमने। एज हाँ जी एज इन कोई लाइव पे आप कोई भी आपका ओल्ड वर्क कोई आप दिखाना चाहते हैं, कोई पैड आपने रखा हुआ अपने साथ? यस सर रखा हुआ है, मतलब पुरानी ड्राइंग्स भी हैं और सर थोड़ी ओरिजिनल कलर्स में मैं आपने, समझ सकता हूँ सर आप उनमें से अभी एक अभी की आप जो मैंने, सीनियर क्लास में हैं। यस सर अभी दिखा देते हैं सर, ये पहला पोर्ट्रेट बनाया था सर, मतलब मेरे को ठीक लगा था सर, ये पहला पोर्ट्रेट जो मैंने पहली बार ट्राई किया था सर, ये वाला, बट सर ये मेरे को नाइस। इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, दोस्त नहीं किया था सर, तो ये कितने टाइम में आपने बनाया है? ये जब पहली बार बनाया था सर मेरे को ऑलमोस्ट सर एक घंटा या कुछ सर 1.5 घंटा लग गया था सर, क्योंकि जो इसके हेयर थे ना सर सबसे मुश्किल चीज वही थी, और उसके चक्कर में मेरे फेशियल ओवल बन गई। ठीक है, तो जो भी व्यूअर देख रहे करते हुए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं कि कितना एकेडमिक और आर्ट को किस तरह से बैलेंस किया जाए और क्या बेनिफिट उसके रहेंगे उनके लिए, जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे या कॉलेज में जो भी आर्ट को परस्यू करना चाहते हैं बट एकेडमिक प्रेशर के कारण नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या रीजन देना चाहेंगे कि आर्ट को भी थोड़ा उसमें अपने रूटीन में इन्वॉल्व करें? सर पहली चीज तो ये है, अगर आप चाहे जितना भी पढ़ लो सर, बीच में दिन में मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा निकल, आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि सर जब मैं अपने निकालता था उसमें गेम खेल लेता हूँ क्योंकि सर मजा आता है उसमें। पर सर अगर जिनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है आर्ट में और उनको लगता है कि अकेडमिक्स की वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहे आर्ट को, सर बीच में जब 1 से 1.5 घंटा निकलता अगर उसका उनमें मन करता है 1 या 1.5 घंटे में, तो वो उस टाइम पे अपने आर्ट आर्टिस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो आजकल तो प्लेटफॉर्म भी है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जहां पे इंस्टेंट आपको रिवॉर्ड मिलता है, लोग आपको आर्टवर्क को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आज तो जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी ड्राइंग्स बना के आप उनके रीच में आ सकते हैं, वो भी आप कभी कभी आपके आर्ट को अप्रिशिएट कर देते हैं। यस थैंक यू सर, करण तो औजला मतलब जी, अगर बिग सर फैन ऑफ यू करण औजला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच करण औजला 4027। तो आपकी आवाज थोड़ी सी क्रैक हो रही काफी है सर, एक बार रिपीट कर देंगे। कोई बात नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो इंस्टाग्राम पे आजकल काफी रीच आ गई है, बड़े बड़े उनको टैग, तो वो काम को कभी कभी अप्रिशिएट कर देते हैं, तो आर्ट जो आप कह रहे हैं 1-1.5 घंटा निकालने से काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है आजकल, तो आप काफी एक्सपोजर आपके आर्ट को मिल सकता है डायरेक्ट एकदम इंस्टेंट। उसके लिए एक चीज है, अगर कोई इंसान उसे 1-1.5 घंटे में खुद को फोर्स कर रहा है आर्ट के लिए, तो सर मेरे को लगता है उससे कुछ अच्छा बन पाएगा, क्योंकि सर अगर एक बार दिल से करता है सर उसी टाइम आर्ट बन सकता है, और अगर दिल से एक बार कर गया तो फिर चाहे 1-2 घंटा निकाल लो आपको पता नहीं चलेगा टाइम कब चला गया। तो सर अगर आपको करना है उस टाइम से ग्रेट, तो आप करिए, और वो अगर आपको दिल से करे तब करिए, क्योंकि आपने दिल से नहीं किया तो फिर इतना मजा नहीं आएगा। क्योंकि मैंने जो 1-2 ड्राइंग जैसे बढ़िया। बिना मन की बनाई तो मैंने बीच में छोड़ दी। ठीक है, आपको ऐसे थेरेपी लगता है जो भी आप उसको ऐसे लेते हैं बट आप करते तो है ना, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप जा रहे हैं, बढ़िया है प्रणवांशु। यस तो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू आवर थर्ड टॉपिक ऑफ द टुनाइट, प्रोजेक्ट नेली के बारे में हम अपनी लाइफ में डिस्कस कर ही रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट नेली को लेके नेक्स्ट कुछ मैं जो भी करने जा रहा हूँ उसको जिनको भी अवेयरनेस है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स को या फ्रेंड्स को या जो भी गेस्ट आते हैं जिनको अवेयरनेस है, तो हम डिस्कस करते हैं कि पहले प्रोजेक्ट नेली आर्टवर्क्स को देख के उनको क्या इंप्रेशन है। तो प्रणवांशु, आपने अगर आपको पता है प्रोजेक्ट नेली के बारे में तो आप बताइए, नहीं तो आपको पूछना है तो प्रभुन सिंह जी पूछे, अगर आप ड्राइंग वगैरह करते हैं तो गिटार कब बजाता है?
सर गिटार सर आता तो है नहीं सर, थोड़ा थोड़ा आता सर, वो ऐसी बजा लेता हूँ फिर कभी मजे मजे में। तो ये तो आपने हमें बताया नहीं, प्रभगुन जी आपके राज खोल रहे हैं सर, इसे भी लाइव में ले लो सर बताएगा ये। हमने तो इनवाइट किया, वो तो आ ही नहीं रहे। चलो आप, हम नेली की बात कर रहे हैं, तो उनका अगर इंटरेस्ट होगा तो करेंगे ज्वाइन। नेली के बारे में आप क्या कह रहे थे? सर मैंने ये पूछना था आपसे कि सर आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप ऑनलाइन एग्जीबिशन भी कर सकते हो? मैंने की थी 2018 में, मैंने ऑनलाइन एग्जीबिशन की थी एंड आई ऑल्सो बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिस्ट जिन्होंने लाइव ऑनलाइन एग्जीबिशन होती थी बट लाइव ऑनलाइन एग्जीबिशन कभी नहीं हुई थी। तो मेरे पास प्रेस कटिंग्स हैं, ये जो पीछे लगी हुई हैं, ये उसी की ओके सर। ये पूछा था आपने, जैसे बताया था कि आपने अपना फर्स्ट कैरेक्टर 9th स्टैंडर्ड में था, आपका एकदम से बैठे बैठे दिल कर गया ऐसे सर, आपने पहले से सोच के रखा था? नहीं प्रणवांशु, बेसिकली जैसे हम रैंडमली डूडल करते हैं ना बैक ऑफ द नोटबुक, यस सर, तो वैसे ही मेरे साथ मेरे फ्रेंड से हम एक गेम खेल रहे थे कि बिना नेल्स उठाए आप क्या क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने एक चीज क्रिएट की तो मैं उसको फेंक भी सकता था, पेज फाड़ के फेंक भी सकता था, बट समहाउ जैसे कलम परी से बात करें, कुछ आर्टिस्ट में जैसे एक चीज होती है कि डिवाइन वॉइस आपके अंदर से आती आती है, तो मुझे थी कि इस पेज को मत फेंको, इस कैरेक्टर के साथ आपको कुछ ना कुछ करना है आगे। तो मैंने उसको फाड़ा नहीं बल्कि इसको वाटर कलर पेंटिंग्स में कन्वर्ट कर दिया उस कैरेक्टर को। तो मेरे ही आप भी जानते होंगे डीपीएस में टीचर हैं सुरेश शर्मा जी, उन्होंने इस चीज को एक ही पेंटिंग मैंने बनाई थी और उसको काफी उन्होंने एनकरेज किया कि आप इसकी 15-20 पेंटिंग्स बनाओ, इसकी एक एग्जीबिशन लगनी चाहिए। तो वहां से स्टार्ट हुआ था नेली का। तो अब तो आप देख सकते हो प्रोफाइल में टी शर्ट। हाँ जी सर, आपको मतलब ये कितनी देर से आपका सर ये प्लान था कि आप इसे ये एकदम से एग्जीबिशन कर दोगे सर? प्लान करके रखा था आपने ये? नहीं रैंडमली ही था कि मुझे बेसिकली वाटर कलर्स में डर लगता था, तो मुझे लगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट सा कैरेक्टर है, इसी को एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर मैं कुछ रैंडमली भी बनाऊंगा तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो वो अच्छा सा बन गया तो गॉड गिफ्ट एक समझ लो, उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करता गया। मेरे पेज पे रिसेंट वर्क्स हैं, प्रोजेक्ट नेली नेम्स का एडवेंचर था वो होगा, डिजिटल नेलीज होंगी, तो ओल्ड जो नेली है उसका ड्रॉइंग पैड में मेरा पड़ा है, कभी किसी नेक्स्ट लाइव में आप एज अ को होस्ट आएंगे तो हम वो पुरानी नेली शो करेंगे, तो वो सब हम इन फ्यूचर कर सकते हैं। यस सर, वो मैंने देखा सर, बाकी किसी को काफी अच्छे से निकलते आपके। हाँ मैंने डाले हुए हैं कुछ, जिनको अभी इंस्टाग्राम पे देखना तो मेरे पेज पे नीचे सबसे लास्ट में स्क्रॉल करके कुछ आइडिया ले सकते हैं कि नेली क्या है। तो रिसेंटली भी मैंने डाला है उसका ऑगमेंटेड रियलिटी में, तो मैं वो वर्क कर रहा हूँ ऑगमेंटेड रियलिटी में, तो आई डोंट थिंक कि पहले किसी ने जम्मू में किया है, तो आई एम होपिंग कि उसमें ज्यादा से ज्यादा नेली आर्टवर्क्स कर सकूं, क्योंकि नेली इज ऑलवेज अबाउट डूइंग समथिंग न्यू। उसकी टैगलाइन भी मैंने 2012 में क्रिएट की थी, बॉयकॉट नॉर्मेलिटी, नॉर्मल चीजों को बॉयकॉट कर दो, कुछ नया करो हर टाइम, कुछ नया एक लेवल अप जाओ। तो मैं सोच रहा था इस बार क्या हो सकता है, तो गॉड गिफ्ट ऑगमेंटेड रियलिटी का ख्याल आया, तो मैंने ऑगमेंटेड रियलिटी में कुछ वीडियोज एज अ सैंपल क्रिएट किए हैं 2-3, वो मेरी प्रोफाइल में है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो इन फ्यूचर में उसमें नेली क्रिएट करूंगा, कुछ स्टोरी क्रिएट करूंगा मैं। ओके सर। एंड सर जो आपकी मैंने सर अभी रिसेंटली आपने 3 पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पेज पे, तो सर वो जो काफी 3D लग रही थी सर, आपने इसलिए कोई सॉफ्टवेयर यूज किया सर या फिर कोई सिंपल डिजिटल पेंटिंग? ये बेसिकली मिक्स ऑफ चीजें होती है, इसको ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं, ये काफी हाई लेवल पे तो बाहर होती है। जैसे आप गेम आपने देखी होगी पोकेमोन गो, कि लाइव एटमॉस्फेयर में एक डिजिटल एलिमेंट कैरेक्टर आ जाता है, वो तो सॉफ्टवेयर जनरेटेड होता है, बट ऑगमेंटेड रियलिटी में कुछ आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, आप कुछ एप्लीकेशंस के थ्रू जो है अपनी क्रिएशंस खुद अपने हाथ से, जैसे मैंने उस वीडियो में नेली बनाया हुआ है, तो वो मेरी खुद की क्रिएशन है, वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड नहीं है, स्ट्रोक्स मेरे खुद के हैं, राइटिंग मेरी खुद की है, तो आई एम टेलिंग माई स्टोरी थ्रू दीज पेंटिंग्स। तो फ्रॉम नेली टी शर्ट्स,
from Nelly paintings, from Nelly names, it has evolved into Nelly augmented reality. तो इस तरह से यही मैसेज है कि अपनी कुछ भी क्रिएशन, चाहे आपको बेकार से लग रही है, आपने लास्ट पेज ऑफ कॉपी पे बनाई है, यू नेवर नो कि आप उसको आगे ड्रैग करते करते, पुश करते करते कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं गॉड ब्लेसिंग से. तो संभाल के रखिए अपनी जो भी छोटी बड़ी क्रिएशन है. ओके सर. एक संग ऋषभ जी कुछ बोल रहे हैं. सर हर आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है कि हर बार अच्छा आर्टवर्क नहीं बनता, तो सर जब आपके साथ ऐसा होता है तो आप उसके बाद भी मोटिवेटेड कैसे रहते हो? ऋषभ, बेसिकली सबसे पहले तो मैं मंत्र यही यूज करता हूं कि अपने हार्ट को फॉलो करते, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, कि अगर जब आप अपने आप को जबरदस्ती नहीं पुश करोगे तो चांसेस कम है कि एक अनवांटेड आर्ट बनने के. तो अगर अनवांटेड बन भी जाए तो फिर आप थोड़ा गैप ले लो, थोड़ा म्यूजिक सुन लो. प्रणवांशु भी म्यूजिक सुनते हैं तो आप उनको पता है म्यूजिक कितना मोटिवेट कर देता है आपको. तो जब आप बाकी यूट्यूबर्स को देखते हो कि वो भी अपने फेलियर्स शेयर करते हैं तो आप रिलेट कर पाते हो कि ये सबका है. आर्टिस्ट आर्ट ब्लॉक से भी गुजरते हैं कि उनको कुछ दिन तक बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि वो क्या क्रिएट करें. अब जैसे नेली है, नेली ओरिजिनल आपको इमेजिनेशन से बनाना है, आप कहीं से देख के नहीं बना सकते हो. तो वहां पे सोचने के लिए आपको अपने मूड पे डिपेंड करना पड़ता है कि कब राइट मूड है, कब राइट आइडिया है, कब फ्लो हो गया है. तो आपको जल्दी जल्दी वो बनाना पड़ता है, स्केच आउट करना पड़ता है, ताकि फ्यूचर आप उसको कलरफुल मीडियम में आप उसको बना सको. तो इस तरह से रहता है कि बाकी जो जब शेयर अपने फेलियर्स करते हैं यूट्यूबर, अगर आप एकदम ऑनेस्ट होकर अपने फेलियर शेयर करते हैं तो आप एक दो दिन बाद मोटिवेट हो ही जाते हैं कि चलो यार सबका कुछ ना कुछ वर्क खराब बनता है, अच्छा भी बनता है, ग्रेट भी बनता है. तो इट्स ऑल काइंड ऑफ ग्राफ, ऊपर नीचे चलता रहता है. तो ऐसा ऐसा आपको, जैसे उस दिन हमने आपकी लाइफ में डिस्कस किया था कि स्लो एंड स्टडी चलो, तो 10 दिन में या 15 दिन में भी एक बने तो तब भी अच्छी पे. आई होप ऋषभ आपको आंसर मिल गया. बैक टू प्रणवांशु. यस सर. प्रणवांशु आप कुछ कह रहे थे? सर मैं यस सर बोल रहा था. हाँ जी, तो ये आप कुछ कहना चाहते हैं इस पॉइंट पे? मैसेज आपने अपना दे दिया, इस पॉइंट पे कुछ कहना चाहते हैं या फिर हम व्यूअर्स को पूछें उनके क्वेश्चन के लिए, फिर उसके बाद समअप करेंगे? सर मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, जब दिल करे कर दो ड्राइंग. एग्जैक्टली. तो एट दिस पॉइंट की जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, ऋषभ ने तो अपना क्वेश्चन पुट कर दिया, कोई कमेंट में अपना क्वेश्चन पुट करना चाहता है या लाइव में ज्वाइन होके विजुअली हमारी लाइव का पार्ट होके क्वेश्चन पुट करना चाहता है, तो हम आपको ओपन इनविटेशन दे रहे हैं. हम आपके लिए कुछ देर वेट करेंगे. किसी को पूछना पूछ लिया शर्मा मत, मैं भी हूं सर. कोई भी हेजिटेशन की बात नहीं, हम आपको लाइव में ज्वाइन करा लेंगे, नहीं तो फिर हम बस अभी थोड़ी देर में होपफुली ये अब समूह करके हम एग्जिट हो जाएंगे. सर जो आपका जो नेली करेक्टर था सर, आपने अभी तक उसको कुछ उसकी आईज सर मतलब उसको एकदम प्रॉपर फेस देने का सोचा है? बेसिकली सेमी एब्स्ट्रैक्ट क्रिएशन. मैंने स्टोरी भी डाली थी कि इफ आई वॉज नेली बी लाइक कि दिल में आता हूं समझ में नहीं. काफी लोग हैं जो नेली को पसंद करते हैं, दे लव नेली, दे नो नेली, काफी देर से उनको देख रहे हैं बट उनको समझ नहीं आता. इट्स ए मिक्स, इट्स बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड रियलिस्टिक. सेमी एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में आता है कि उसमें स्टोरी है भी है लेकिन उसकी लुक जो एब्स्ट्रैक्ट है. तो मैंने उसका हाथ भी एक ही है, उसके दो हाथ कभी नहीं होंगे, फेस भी साइड पे ही होगा, फ्रंट फेस कभी नहीं होगा. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने नेली के डिसाइड करके रखे हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद. और सर ये आपका कैरेक्टर नेली है सर, ये कुछ स्पेशल चीज डिफाइन करता है क्या? ये बॉयकॉट नॉर्मलिटी जो टैग, हाँ बेसिकली इस नेली ने मुझे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपॉर्चुनिटी दी है जहां पे मैं रेगुलर आर्ट के साथ नहीं जा सकता था. स्केचेस हैं,
सभी बनाते हैं, पेंटिंग डिजाइन सभी बनाते हैं, नेली मैं बनाता हूँ या इन फ्यूचर जो भी, आई डोंट नो कि गॉड के माइंड में क्या प्लान है नेली को लेके, हम आज डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्लान होगा आगे क्या हम करने वाले हैं इसको लेके। तो नेली सिग्निफाइज बॉयकॉट नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को बॉयकॉट करना है, नॉर्मल चीजों को बॉयकॉट करना है। आपके दिमाग में जो भी क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, अगर आप स्केच और पेंटिंग को मिक्स करना चाहते हो मिक्स करो, एब्स्ट्रैक्ट और रियलिस्टिक को मिक्स करना चाहते हो मिक्स करो, कुछ भी आपके दिमाग में आइडिया उसको पेपर पे लाओ, डिजिटल का जमाना है डिजिटली लाओ, टैब पे आप क्रिएट करो, उसमें प्रो क्रिएट में क्रिएट करो, फोटोशॉप में क्रिएट करो, तो आप जो भी अपने रैंडम क्रेजी आइडियाज को जो है उसको फॉर्म में लाओ। यू नेवर नो कि आफ्टर वन मंथ या वन ईयर वो क्या चीज में डेवलप हो जाए। यू जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, गॉड इज ऑलवेज टॉकिंग टू यू थ्रू योर इंट्यूशन। ओके सर, थैंक यू, प्रांजल। ओके, दैट्स टाइम टू रैप दिस वंडरफुल लाइव। काफी अड़चनों के बाद और काफी हैंगिंग इश्यूज के बाद फाइनली हम इस लाइव को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए हैं। प्रभुन जी आपको काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है कि तो थैंक यू प्रभुन जी फॉर मेकिंग दिस लाइव इंटरेस्टिंग लाइव। थैंक यू। ओके, दिस टाइम टू रैप अप। थैंक यू प्रणवांशु फॉर बीइंग हियर। आपको फ्यूचर में भी हम डिफरेंट लाइव और टॉपिक्स पे इनवाइट करेंगे। ओके सर, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सर। बाय सर, कर दो एग्जिट। मैं अभी IGTV पे जाने वाली है, तो जो भी इसको फुल वीडियो को कैच नहीं कर पाए तो वो इसको बाद में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।